कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे, जिस पर हर बार आपको एकदम स्टिक जानकारी वही दी जाती है. देखिए, हम बात करने वाले हैं आज आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को लेके, जॉब प्रोफाइल, इसकी क्या जॉब प्रोफाइल है और रहने वाले है, इसमें काम क्या करना होता है, छुट्टियाँ कितनी मिलती है, फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, ड्यूटी टाइम कितना रहता है, सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिलने वाली है स्टार्टिंग में लगते ही, फिर उसके बाद कितनी आपकी बढ़ेगी. मतलब ये मान के चलो आप कि अगर ये जॉब आपको मिल गई तो मौज ही मौज है. इतनी तो देखो, इतनी जो मौज है वो राजस्थान हरियाणा में पटवारी के भी नहीं होती, जितनी ये ऑफिस अटेंडेंट में आपको अगर जॉब मिल जाती है तो आपको होने वाली है. मतलब वह हरियाणा में क्या कर, कांचे से कट जाएंगे. वही बात है भाई, कांचे से कट जाएंगे अगर ये जॉब आपको मिल गई तो. तो देखिए, हम शुरू करते हैं. सबसे पहले भी इसमें काम क्या रहने वाला है और ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो क्या रहने वाली है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो काम है वो क्या रहने वाला है. काम मतलब आपको ये मान के चलो कि कुछ करना ही नहीं है. एक डेस्कटॉप से आपको दूसरे पर कुछ फाइलें पहुँचानी है. मतलब ऑफिस में बस कोई फाइल आ गई, इधर से उधर करनी, या फिर जैसे कोई आपसे बड़ा ऑफिसर है वो कोई काम कर रहा है उसमें थोड़ी हेल्प करनी. मतलब आप सभी को पता है कि इसमें जो ड्यूटी टाइम रहता है वो 10 से 5 बजे तक रहेगा. तो उसमें आपको जैसे मतलब सुबह 5 बजे, ये 10 बजे आके सुबह, और अपनी ये सभी जो अपनी फाइलें हैं वो सभी के डेस्कटॉप पर पहुँचानी जब तक मतलब ये अपने आ जाएँ ऑफिसर तब तक. और फिर शाम को जाते समय सभी फाइलों को वापस अपने सही जगह रख के मतलब उनको लॉक करना अलमारी को. तो ये जो छोटे छोटे काम है वो आपके रहने वाला है. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वैसे तो है डी ग्रुप की नौकरी, लेकिन आपको इसमें जैसे कोई चाय पकड़ाना और करवाना ये कुछ नहीं रहने वाला, लेकिन ये है मतलब एकदम गजब वाली नौकरी है आपकी. फिर हम बात करते हैं कि इसमें जो छुट्टियां हैं वो कितनी जो मिलने वाली है. तो जो सरकारी जो बैंकों में छुट्टियां मिलती हैं, जो सरकारी छुट्टियां, तो वो सभी आपको यहाँ पे मिलने वाली है भाई. ठीक है, फैसिलिटीज़ और क्या क्या मिलेंगी और सैलरी क्या मिलेगी वो आप देख लो पहले. ये देखो भाई, सैलरी का इसमें आपको अगर ऑफिशियल नोटिस आप देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट होते ही देखिए 10,940 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं. बेसिक पे है ये. इसके अलावा जो आपको होम रेंट अलाउंस है और जो डीए है सब कुछ वो अदर है वो मिलने वाला है. ठीक है, तो देखिए फिर आपको 10,940 मिलेंगे, फिर आपको 4 महीने मतलब 4 बार 380 बढ़ेंगे, फिर आपके 12,460 होंगे, फिर 440 यहाँ पे 3 बार बढ़ेंगे, ऐसे करके आपके यहाँ पे 23,700 सैलरी हो जाएगी. मतलब ये होगी लगभग आपकी, आप ये मान के चलो कि 2 साल के बाद आपकी सैलरी 23,700 तक पहुंच जाएगी. शुरू में आप जब लगोगे तो आपको 10,940 मिलेंगे, उसके अलावा जो होम रेंट है वो मिलेगा, डीए मिलेगा. तो इस ऐसे करके आपको ये मान के चलो कि 17-18 हज़ार आपको यहाँ पे लगते ही मिलने वाले हैं. फिर जैसे ही आपको 1.5-2 साल हो जाएंगे उसके बाद आपको सभी कुछ अलाउंस मिला के आपको लगभग 35 से 36 हज़ार यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है भाई. ठीक है, इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ इसमें मिलने वाली हैं तो ये देखिए, आप जो मेडिकल में जैसे आपका जो आप बाई चांस बीमार पड़ गए तो उसकी जो ये लगने वाला है हॉस्पिटल का खर्चा है उसमें से 60% रहेगा आरबीआई का और आपका रहेगा 40%. ठीक है, और ये आपके परिवार पर भी, जैसे भाई कोई भाई बहन ये है इनको भी अगर कोई होता है तो कुछ छोटे मोटी बीमारी, तो उस पर भी आपको यहाँ पे आरबीआई बहुत सहायता करने वाला है इसमें. इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन, मतलब आपकी शादी हो गई और बच्चों को मतलब ये जो शिक्षा में है वो भी आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है. ठीक है, इनके अलावा जैसे कोई न्यूज़पेपर है वगैरह है इनका भी आपको जो अलाउंस है वो मिलने वाला है. कार इंश्योरेंस का भी मिलने वाला है.
ये आपको ऐसे करके बहुत ही गजब नौकरी है, 35-40 हज़ार के आसपास मतलब आपकी आराम से ये पड़ जाएगा महीने का। इनके अलावा जो ऊपर का जो, तो मतलब समझ रहे हो आप, ऊपर का भी ये जो चाय पानी का खर्चा वो निकल जाएगा आराम से। फिर हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो ये अपना ड्यूटी टाइम है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो फिर देखिए, ये देखिए आप कि आपका प्रमोशन कैसे होगा और मतलब आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन वही रहने वाली है दोस्तों जो आपने जैसे जयपुर से लगा दिया आपने, तो जयपुर राजस्थान में ही आपकी जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। दिल्ली से लगा दिया तो दिल्ली में रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी जगह यहाँ पे भेज दिया जाएगा। चंडीगढ़ से है वो तो चंडीगढ़ में ही रहने वाले हो। फिर इसमें प्रमोशन कैसे मतलब क्या होगा, इसमें कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे आप जैसे जाते हो तो 4 या 5 साल बाद में आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप आरबीआई असिस्टेंट बन सकते हो। 4-5 साल का टाइम आपको यहाँ पे लगेगा, उसके बाद आप आरबीआई असिस्टेंट बन सकते हो। अगर बिना एग्ज़ाम आप आरबीआई असिस्टेंट मतलब बनना, आपकी जो सेवा के अनुसार जो भी आपका करेक्टर देख के आपको भी कितना मतलब क्या किस हिसाब से आप वही अपनी जो जो ड्यूटी है वो करते हो, तो उस हिसाब से आपको जो आरबीआई असिस्टेंट बनाया जाएगा उसमें लगभग 10 से 15 साल लग जाएंगे भाई। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे के 4 से 5 साल में आप आरबीआई असिस्टेंट बन सकते हो। उसके बाद आपको देखिए असिस्टेंट मैनेजर बेस लेवल बनाया जाएगा, इसमें भी 3 साल लगेंगे। फिर मैनेजर मिडिल लेवल पे जाएंगे आप, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर तक आप पहुंच सकते हो। और इसके लिए आपको टाइम देखे जनरल मैनेजर तक आप जब पहुंचोगे तो आपको मतलब आप रिटायरमेंट के करीब जा चुके होंगे। तो ये बात है दोस्तों, ये इतनी सुविधाएं हैं कि बस कच्चे से घट जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। देखिए अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 2.5 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है एग्ज़ाम को, लेकिन रिजल्ट को लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिस इनकी तरफ से नहीं आए हैं। लेकिन जो समाचार पत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जून लास्ट तक इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जून लास्ट तक रिजल्ट आता है या नहीं आता है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। वैसे अगर हम मेल करेंगे या फिर इनको ये फ़ोन करके देखेंगे, जो कॉन्टैक्ट अस पर आपको नंबर मिलेंगे वहाँ पर अगर हम फ़ोन करेंगे तो ये बस इतना ही बोलेंगे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे बने रहो, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये बस इनकी तरफ से इतना ही आता है। तो रिज़ल्ट आप ये मान के चलो कि भी हाँ या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा या फिर जून लास्ट में आ जाएगा। अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो आना ही पड़ेगा रिज़ल्ट को।